Hey everyone, welcome back to the channel, guys. सभी का स्वागत है एक और नए Clash of Clans के एपिसोड में. And guys, finally हमने वो काम किया है जो बहुत ही मेहनत वाला था. हमने consistently काम किया और अगर आप देखोगे तो over rust में हम 30-30 king queen पहुंच चुके हैं. ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि भाई 30-30 हीरोज करना, और वो भी हमने काफ़ी क्विक टाइम पे किया. अगर आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं हम. हमें हमेशा हमने दोनों बिल्डर्स को अपग्रेड पर रखा, दोनों किंग एंड क्वीन के लिए, और रुके नहीं हम. मतलब ऐसा एक बार भी नहीं हुआ शायद कि हीरोज रेडी हुए और फिर से मैंने उनको सुलाया ना हो, मतलब अपग्रेड पर ना डाला हो. तो आज भी वही काम करेंगे गाइज, एंड उसके साथ और भी काफ़ी फन करेंगे आज के वीडियो में. एंड थोड़े मैजिक आइटम्स मेरे पास, मैं एक्चुअली बता दूं गाइज कि जो फाइनल मेरा किंग होना था, 30 क्वीन तो हो गई थी, जो किंग होना था उस पर हमने एक बुक लगाया और हमारे पास अभी भी एक बुक पड़ा हुआ है. शायद यस, एक बुक ऑफ हीरो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि बहुत जूसी है. एंड अगर आप क्लैन गेम्स की बात करो तो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है. आप देख सकते हो 3100 पॉइंट्स हम कर चुके हैं. और रिवॉर्ड्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक बुक ऑफ हीरो और है, मतलब किंग एंड क्वीन 31-31 पहुँच जाएंगे इस बुक ऑफ हीरो. और जो बुक ऑफ हीरो है मेरे पास पड़ा हुआ, तो दोनों को अपग्रेड करेंगे बहुत जल्द. बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज एंड प्लीज गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको मेरा काम पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. और कुछ भी इन गेम परचेज करते हो तो चुम्मा वाला सपोर्ट जरूर दिखाएं. वैसे ये वीडियो मेरे ख्याल से बाद में जाएगी, तो फटाफट आप लोग जाके अड्डा कोड यूज करें कुछ भी इन गेम परचेज करने से पहले, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए एंड फैमिली के लिए. तो सीजन पास अगर परचेज कर रहे हो तो अड्डा कोड जरूर यूज करें. चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारा लूट है मेरे पास, बट मेरे पास एक्स्ट्रा बिल्डर्स नहीं है. जो बिल्डर है वो 3 दिन बाद फ्री हो रहा है और मेरे को किंग और क्वीन दोनों को अपग्रेड पे लगाना है, तो इसीलिए मेरे पास एक्स्ट्रा बिल्डर नहीं है. बट ये जो एलिक्सिर और गोल्ड आप देख रहे हो ना, इसमें से जो गोल्ड है वो कहाँ जाएगा, वॉल्स पे जाएगा. आपने एक चीज़ नोटिस किया ओवररस्ट में, बैकग्राउंड में मैं वॉल्स किए जा रहा हूँ, मैं वॉल्स पे रुका नहीं हूँ. काफ़ी सारे वॉल्स मैंने कर लिए हैं और आने वाले टाइम में हम और वॉल्स को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि डिफेंस तो देखो बिल्डर क्योंकि मेरे पास 5 है. अब 2 बिल्डर या 3 बिल्डर मैं हीरो पे डालता हूँ, इसका मतलब ये है कि दिक्कत होती है मुझे बहुत ज़्यादा डिफेंस अपग्रेड करने में. तो वॉल्स पे एटलीस्ट हम गोल्ड को इन्वेस्ट करते रहें ताकि वेस्ट ना हो हमारा, तो वही करेंगे. सबसे पहले चलिए गोल्ड से वॉल अपग्रेड करते हैं. और ये जो मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ ना, जो आज से 3-4 साल पुराने वाले प्लेयर्स हैं उनको बहुत दुख होगा. आपको पता है गाइस, ये जो वॉल्स है ये 10 लाख के होते थे अ पीस. यस, लिटरली 10 लाख अ पीस होते थे ये वॉल्स पहले. जब मेरा मेन अकाउंट टाउन हॉल मैंने 8 से 9 किया था ना, तो ये वाले वॉल्स 10 लाख का पीस थे. और ये वाले जो वॉल्स आप देख रहे हो, इनको जब 9 से 10 किया जाता था 30 लाख, सही सुन रहे हो, 30 लाख का पीस थे, जो कि अब बस 2 लाख के रह गए. मतलब जागती है यार, कहाँ 30 लाख और कहाँ 2 लाख. क्या किया पता नहीं क्लैश ऑफ क्लैंस ने हमारे साथ, इतनी बड़ी जागती. बट यही है कि वो वाले अकाउंट्स तो हमने उस टाइम पे किए थे, अब आके ये नए अकाउंट्स नए टाइम पे कर रहे हैं, तो काफ़ी फन भी हो रहा है बट दुख भी होता है कभी कभी ये सोच के कि क्या दिन था वो और क्या दिन था ये. 38 लाख में पूरा रो हो रहा है और तब एक एक पीस वॉल का प्राइस 10 लाख था. भाई साहब कितना दुख रहा होगा उस दौर में. बट कोई नहीं, हम यहाँ पे 2 रो कर चुके हैं एंड 2 रो ही हम रखते हैं. भाई साहब हंसी भी आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी. कोई नहीं, चलो फटाफट थोड़े से बेस को स्मैश करें, क्योंकि ये वाला जो टास्क मैंने ले रखा है गाइस वो 5 लाख मुझे लिख चाहिए. तो फटाफट एक बहुत बड़ा सा बेस ढूंढता हूँ जहाँ पे एकदम तगड़ा मोटा लूट. ओ भाई साहब 1 मिलियन यहाँ पे गोल्डन एलिक्सिर है. मुझे पता है कि मैं शायद पूरा ना ले पाऊँ क्योंकि बेस पूरा मैक्स आउट है. आपको पता है गाइस कि मेरी आर्मी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, खास करके मेरे हीरोज इतने स्ट्रांग नहीं है. पूरी कोशिश रहेगी, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं. तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन ड्रॉप करेंगे और यहाँ से थोड़ा फाइनल करने की कोशिश करेंगे विद यूजिंग किंग एंड क्वीन. अब देखो यहाँ पे इतना मोटा लेयर है ना वॉल का कि किंग एंड क्वीन को कोई ज़्यादा खतरा नहीं है. तो यहाँ पे अब हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स जो है वो ड्रॉप करेंगे. लून्स आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे वार्डन आ जाएगा, यहाँ पे एक रेज आएगा और ब्लिम्प आ जाएगा. ओके, वार्डन एबिलिटी थोड़ी अर्ली आ जाएगी एंड नाइस. यहाँ पे एक फ्रीज आ जाएगा, यहाँ पे एक और रेज आएगा. कमॉन इलेक्ट्रोज, कमॉन जल्दी टाउन हॉल ले लेना भाई, टाउन हॉल. यस थैंक यू. ओके, तो अब सही जा रहे हैं हम. यहाँ पे एक और रेज कर देते हैं, यहाँ पे एक फ्रीज. डंग इट, जल्दी मारो यार इस एयर डिफेंस को, काफ़ी ज़्यादा. ओ भाई साहब ये क्या कर दिया मैंने, लेट हो गया काफ़ी मैं वहाँ पे फ्रीज से. यहाँ पे एक और फ्रीज करेंगे, कम ऑन एयर डिफेंस मार रहा है भाई साहब. अभी भी बहुत सारा लूट पड़ा यार और किंग एंड क्वीन की तो बैंड बच गई है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा लूट शायद मैं मिस ना कर दूँ. यहाँ पे मैं रॉयल चैंपियन ड्रॉप कर देता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी क्वीन को एंड अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को. बट क्योंकि ईगल डाउन नहीं हुआ है तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत होने वाली है गाइज, बहुत सारा लूट मैं मिस करने वाला हूँ. ये फ्लैंक में जो, ओहो
यहाँ पे फ्लैंक में जो बाहर के कलेक्टर्स है ना ये भी मिल गए ना तो काफी मजा आ जाएगा। बट यहाँ पे किंग बहुत स्ट्रगल करता हुआ, किंग वॉल ब्रेक करने में बिजी हो गया यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि ईगल जो है वो किंग पे लॉक्ड है और मेरा इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है वो सेफ है। कमॉन थोड़ी सी वैल्यू चाहिए मुझे, थोड़ी सी वैल्यू इलेक्ट्रो, कमॉन एक चेन दे दो यहाँ पे, बस एक चेन, एक चेन दो तो भी चलेगा। अरे एक भी चेन नहीं मिला, बट कोई नहीं। आई थिंक 7.5-8 लाख के आसपास एलिक्सिर लेके हम वापस जा रहे हैं, विच इज़ नॉट दैट बैड। एक इलेक्ट्रो अभी भी बचा हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा एलिक्सिर हम और चूस लेंगे बेस में। कम ऑन ईगल भाई, हम ईगल ही नहीं निकाल पाए। ओके ईगल फाइनली डेड हो गया, अच्छी बात है हमारे लिए। बट डेड होते होते लास्ट, यार ये क्या हद हुई, लास्ट शॉट में जाके उसने मेरे इलेक्ट्रो को निकाल दिया। बट फिर भी हमने 8,73,000 काफ़ी होते हैं भाई। मैं गोल्ड से तो खुश हुई हूँ, लिटर से भी काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छा लूट गेन किया हमने। अब ये गोल्ड वाला लेंगे, नेक्स्ट अटैक पे ये वाला भी मार देंगे, एकदम इजी एक अटैक पे हो जाएगा। बट अब हीरोज को अपग्रेड करना है, लिटर भी काफ़ी सारा। मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ हमेशा क्योंकि बिल्डर्स होते नहीं है फ्री। मेरे को आर्मी कैम्प अपग्रेड करना है, ये वाला आर्मी कैम्प शायद जाएगा, यस 90 पे जाएगा। बट अभी फिलहाल मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे हीरोज को अपग्रेड पर डालना है। तो अभी गो किंग जाएगा, नहीं एक काम करता हूँ, एक और रेड करने वाले ना उसको करके हम करते हैं, देखता हूँ यहाँ पे कुछ है नहीं है। ओके यहाँ पे एक रो और, भाई साहब तीन रो मैंने अपग्रेड किए वॉल्स फ्रॉम लेवल 8 to 9। ये वीडियो अगर कोई 4 साल पहले मैं दिखा देता ना इस वीडियो को तो भाई मतलब पागल हो जाते सब, जब एक एक वॉल की प्राइस 10 लाख थी, अभी तो फिलहाल बहुत ही कॉमन है। ओके तो चलिए फटाफट मैं एक काम करता हूँ, एक सीसी लेता हूँ और उसके बाद एक अटैक करके हम दोनों हीरोज को अपग्रेड पढ़ाते हैं। ओके सो गाइस 11,000 डार्क मिला है यहाँ पे, ये बेस मेरे लिए काफ़ी टफ है, बट फिर भी 11,000 डार्क कौन मिस करना चाहेगा। एलिक्सिर थोड़ा कम है इस बेस पे, बट मुझे चलेगा क्योंकि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा एलिक्सिर है मेरे पास। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे टाउन हॉल सिक्योर करना है और मुझे यहाँ पे आप देखोगे तो डार्क एलिक्सिर जो है वहाँ पे 2 ड्रिल्स और स्टोरेज यहाँ पे, तीनों ड्रिल्स यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं कौन से साइड से अटैक करूँ। अगर इस साइड से करूँगा तो फिर एक काम करता हूँ, अगर मैं किंग एंड क्वीन को सेव करके रखूँ, एक चीज़ तो मुझे पता है कि मैं इसको 3 स्टार तो नहीं कर सकता, तो टाइम कोई इशू नहीं है मेरे लिए, मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रो मैंने यूज़ किया, आई होप कि ये इलेक्ट्रो मुझे पूरा का पूरा डार्क दे जाएगा, शायद पूरा का पूरा डार्क दे जाएगा। अगर दे देता है तो काफ़ी सही है, नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में प्लान स्विच करेंगे अपना। अभी तो फिलहाल स्टोरेज निकल चुका है, इसमें ना के बराबर बचा है बट फिर भी थोड़ा सा शायद बचा हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो जब तक चेन कर रहा है तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा फनल बनाता हूँ यहाँ पे विथ यूजिंग आर हीरोज। किंग आएगा, क्वीन आएगी एंड ये वाला एयर डिफेंस किंग एंड क्वीन मिलकर अगर निकाल देते हैं तो मेरे लिए काफ़ी सही हो जाएगा। कम ऑन जल्दी इलेक्ट्रो ये वाला, हाँ थैंक यू। सो किंग यहाँ पे टार पे लॉक्ड, मैं काम करता हूँ एबिलिटी थोड़ी अर्ली पॉप अप कर लेता हूँ ताकि बारबेरियंस जो है वो थोड़ा काम। भाई इतने लो लेवल के बारबेरियंस जल्दी मर जाते हैं, दुख होता है, कोई नहीं। अब क्या करें, अब कौन से साइड से जाएं, टाउन हॉल पे तो ब्लिम्प आ जाएगा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्वीन की एबिलिटी यूज़ करता हूँ सबसे पहले। ओके 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 हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम यहाँ से अटैक करते हैं, यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रोज आ जाएंगे, वार्डन आ जाएगा, 2 लून्स एंड ब्लिम्प यहाँ पे आ जाएगा, रेज वार्डन एबिलिटी। भाई ये वाला रेज किस लिए किया मैंने, राइट वाला रेज, एक्चुअली मैंने दोनों रेज किस लिए किया, कोई नहीं। इलेक्ट्रो अटैक्स के साथ ऐसा ही होता है मेरा सीन, तो भाई दोनों रेज बेकार, हद है भाई। यहाँ पे फ्रीज आ जाएगा, ओके सो टाउन हॉल हमने सिक्योर कर लिया है जो कि अच्छी बात है मेरे लिए। यहाँ पे एक और फ्रीज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, बट कोई नहीं, लूट हमने निकाल लिया है। भाई इलेक्ट्रो अटैक्स में मेरा काफ़ी दिक्कत होता है, खास करके जब मैं मैक्स बेसिस पे अटैक करता हूँ ऐसे बेसिस के साथ, क्योंकि हीरोज लेवल ही नहीं है। अब हीरो लेवल्स, हीरो फाइनल सेट करते हैं, हीरो बैक साइड क्लियर करते हैं। मेरी आरसी देखो लेवल 5 की, अब लेवल 5 आरसी से आप क्या उम्मीद करोगे। फिर भी मैंने शील्ड जल्दी फेंकी ताकि एयर डिफेंस निकल जाए और फिर भी हमने ठीक किया है गाइस। अब देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा लूट निकाल चुका है हम बेस से, 4 डार्क बचा है, बोलो 4 डार्क ये वाले स्टोरेज मतलब ड्रिल में बचा है 4, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा बेस हमने खत्म कर दिया। एक काम करते हैं, एक्चुअली 69% में हम फिनिश करते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। 11,000 फ्रिकिंग डार्क एलिक्सिर लेके वापस आ रहे हैं और आने के बाद हम सबसे पहला जो काम करने वाले हैं वो बोथ अपने दोनों हीरोज़ को सुलाने वाले हैं। तो ये गया हमारा, हमारी क्वीन और ये गया हमारा किंग। चार दिन लगने वाले हैं, बुक मिलने वाला है हमें, कल मिल जाएगा शायद, यस कल मिल जाएगा क्योंकि 20 घंटे में ख़त्म हो रहे हैं क्लैन गेम्स। 2 बुक रेडी रहेंगे, जैसे ही फिनिश हो जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे दोनों बुक मारने वाले हैं हम। जेम्स, ओ एक चीज़ मैं शेयर करना भूल गया, मेरे पास पता है यहाँ पे 300 जेम्स भी मिले हैं मुझे, तो भाई जेम्स भी मिले, मतलब ट्रेडर अगर बुक ऑफ हीरो देता है तो लपक के ले लेंगे हम वो बुक ऑफ हीरो। तो फिलहाल सीन यही है गाइज कि अभी देखो लैब बिजी है 3 दिन के लिए, बिल्डर्स बिजी हैं एटलीस्ट 3 दिन के लिए,
काम हमारा डन चल रहा है, 20,000 डाक हमने सेव रखा है, और नेक्स्ट लेवल पे हमें कितना चाहिए नहीं पता अभी। अभी देखो एक 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 20 लगाए हमें, 1,20,000 लगाए दोनों हीरोज को, तो ये मोटा मोटा मान के चलो नेक्स्ट में हमें एक एक 25 या फिर एक 30 लगने वाला है। तो उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशंस रहेंगी कि हम जल्द से जल्द उस डार्क एलिक्सिर का एम जो है वो पहुंच जाए। एलिक्सिर हमने फ्री रखा है क्योंकि मुझे आर्मी कैम अपग्रेड करना है, चारों आर्मी कैम एटलीस्ट लेवल 10 के होने चाहिए। मुझे पता है लेवल 11 पे भी जाएंगे, बट अभी पहले लेवल 10 के तो करें, बाद में 11 का सोचेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप यू आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। प्लीज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एंड एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।